स्पेक्ट फॉर यू हेस्टेक बेस्ट आइजल थैंक यू मेरे भाई बाई द वेगा इस बेस्ट आईजील देखो मैं इसके ऊपर इतना ही बोलूंगा कि ये टूर्नामेंट का बोल सकते हो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भी तुम पूछोगे तो शेडो है समझ रहे हो यार वो बैक टू बैक जीता है मैं सिर्फ इस टूर्नामेंट का बोल सकते हो तुम मुझे समझ रहे हो इस टूर्नामेंट का पूरा तरीके से बट ओवरऑल बेस्ट देखा जाए तो वो है फिलहाल तो शेडो ओपी भी कर देता है भाई एक बार फट फट यार उन लोगों से सीखना चाहिए कहाँ भाई हेस्टेक इलेवन ट्वेल्थ पे थे और कहाँ से कहाँ आए मज़ा आ गए बट फट वो ओपी कर दो सबके तो बेस्ट आई चले और कोई ना अगली बार ट्रॉफी उठाएंगे थैंक यू सारू गेमिंग वाई ट्रॉफी उठाएंगे यार इस बार थोड़ा सा हो गया सो मैं क्या बोलूँ एज ए टीम ही थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट कोई ना चलता है और तो क्या यार अभी बता थोड़ी सकता सी कम्पास्ट में जाके मिस्टेक करी है तो दिख गया मिस्टेक नहीं करते तो इजीली जीत जाते हैं छोटी छोटी चीजें भैया क्या ही करें भाई सब लोग एक बार चैंपियन चैम्पियन लव यू पंग भाई चैंपियन तो नहीं है भाई चैंपियन जो है वो है टी जो कि बहुत अच्छा खेल है भाई सबके सब बंदे एक दिखता है ना कि भाई टीम गेम प्ले कोई अलग नहीं खेलता भाई वो

डोंट लीव पंग भाई मैं देखो फिलहाल तो नहीं कर रहा इन फ्यूचर का पता नहीं देखो या मेरे को पता है बहुत प्राउड फील होता है इससे लाइक तुम्हें एक पास्ट एक बात बताऊँ की इमोडल पर भी किसी को भरोसा था नहीं मैं तुम्हें देखो चीजें क्लियर करता था के टाइम पे जब हमारी टीम टूटी थी उस टाइम में मैंने भी बोला था कि भरोसा करो भरोसा करो करेगा ये बट बात नहीं मानिए उसके बाद में मेरा भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया और मैं मतलब छोड़ दिया था है मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर हूँ मेरे को आज तक कोई लाइनअप से निकाला नहीं है मैंने खुद ने छोड़ा है कि कुछ होता है कि सेवेज बनने के चक्कर में कुछ बंदे समझ रहे ऐसा बोलते हैं कि हटा दिया था ये वो कर दिया था बट साफ साफ बता देता अपने टॉम से ही पूछ सकते हो जो हमारा मैनेजर था मैं खुद से लीव किया था क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था उधर की भाई टीममेट अच्छा है कि नहीं एंड सेकंड चीज़ मैं बता रहा हूँ इमोटल में मैंने इतना भरोसा भरोसा किया था उसने समझ रहे हो वो चीज़ें इंप्रूवमेंट भी करके दिखाई थी डे वाई डे जो जो भी लाइनअप पे थे हम डे वाई डे इम्प्रूव करके उसने प्रूव किया था सेम गोज फॉर मतलब सेम उस बंदे को जो पहली लाइन थी जो भी उस पर किसी ने भरोसा नहीं किया था मैं भी था उस टाइम बट मैं क्या कर सकता था मेरे को क्या था मजबूरी और क्या बोल सकते हैं बट उसके बाद में भाई इधर आने के बाद में भी ऊपर नीचे हुआ इधर आने के बाद में लोग सीन पता नहीं क्या है बट मेरे आने के बाद में भी थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे था बट लैजिट भाई इसने खुद को प्रूव किया तो मेरे को तो प्राउड फील आता है कि भाई ऐसी चीज़ में किसी के ऊपर भी डाउट और वो बंदा प्रूव करके दिखाए कि भाई मेरी अहमियत ये थी तुम लोगों ने मेरे पे भरोसा नहीं किया उसके बाद में वो प्रूफ किया मतलब जो फील होता है ना भाई वो मतलब सिम वो फील सिम भी कर सकता है अपन तो अप्रिशिएट कर सकते हैं समझ रहे हो बट मज़ा आ गया भाई और मैं अभी भी बोलता हूँ देखो सिम जोकर भाई इन पर किसी ने भरोसा नहीं किया था मतलब एज ए क्या बोलते हैं ऑप्शन ऑप्शन रखा था इन लोगों को और आज देख लो ये दोनों ने वीकेंडी में किया है ब्रूफ बट मजा आते भाई ऐसे मेरे को ये जर्नी है ना जो कि एकदम ऑप्शन में रख के देन अलग से मतलब परफॉर्म करते हैं और मतलब कोई वर्ड्स नहीं मेरे मजा आ गए सिम को मत हटाना भाई किसी को नहीं हटाया भाई मैं बोला लाइन एफ में कुछ चेंजेस नहीं है जो है सब ने बेस्ट दिया है जो है सो है जोनी और स्काउट को एक साथ लड़ो प्लीज़ ला दो प्लीज़ अच्छा गए देखो इस टॉपिक में तो मैं कुछ ना बोलना पसंद करूँगा देखो जो भी होगा इन फ्यूचर पता चल जाएगा समझ रहे हो क्या पता कुछ चीज़ें ऑनलाइन कुछ सोर ऑफलाइन कुछ और मतलब मैं तो दिल से आता हूँ सब लोग एक साथ रहे बट ये सब उन सब पे डिपेंड है मतलब जो जो बंदे अपन इसमें क्या कर सकते हैं यार ये बताओ अपन क्या ही कर सकते हैं है? भाइयों अपने टी एक्स और गोडल की बॉन्डिंग नहीं देखी क्या इतने अच्छे से मिल रहे थे कहाँ से हेट दिमाग से हेट निकालो सब चिल रहे हैं हाँ ना भाई प्लस वन का नितिन सिंह भाई को भाई प्लस वन कर दो सबके साथ भाई मेरे तो सब दोस्त हैं टी एक्स स्प्रेकोड कब से जानता हूँ मैं सारंग को भी कब से जानता हूँ जोकर को भी छेडो को भी सारे के सारे दोस्त है भाई काहे फिर लड़ाई काहे मुझे ये बताओ वो मेरे दोस्त है अच्छे सोल वाले भी मेरे सारे अच्छे दोस्त हैं और कौन सी है भाई वो जी वाले भी सारे मेरे दोस्त है भाई मेरा तो एकदम शोटेड तो एक तो सीन है भाई अपना ना लड़ाई ना कुछ सिर्फ प्यार बाटो भाई देखो मैं एक चीज़ बोलूंगा थोड़ी बहुत मस्ती मजाक चलती रहती है जो कि है इन गेम अपन को गेम के बाहर ये नहीं करना कि समझ रहे हो गाली गलोच वगैरह इन गेम चलता है पेन वगैरह चलता है कोई किसको मारे ट्रिगर नहीं होना है वो गेम के बाद गेम तक रखो बाहर नहीं लाने की तुम घर वालों मतलब माँ बाप की गाली वगैरह दे रहा वो नहीं चलना समझ रहे तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बट ये बात करो सब साथ मिल चलेंगे मैं तो ये बोलूंगा e ग्रो होगा ये तो बस शुरुआत है मैं वैसे मैं इतना बोलूँगा सब साथ रहोगे सब साथ मिल भाई एक दूसरे को सपोर्ट करोगे भाई ई स्पोर्ट्स करोगे और तुम्हारी काम आएगा भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ चार साल बाद में पाँच साल बाद में मैं नहीं रहूँगा कोई और रहेगा मेरी जगह एडमिनो नहीं रहेगा सिम नहीं रहेगा मतलब सिम तो बच्चा ही है एडमिनो भी मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पाँच दिन साल बाद हम नहीं रहेंगे तुम लोग आओगे तुम में से कोई ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन के आएगा तो पब्लिक भी वैसी होनी चाहिए ना मैच्योर च्योर की सपोर्ट करें सबको तो साथ में रहोगे सपोर्ट करोगे तो मज़ा आएगा भाई वो पीक वाला हमेशा रहेगा जैसे आज इतने टाइम बाद सालों के बाद मेरे को बंदों ने बताया कि वोचिंग वगैरह आई है इसको एक साथ रखो बस सबके सब ये वोचिंग और ज़्यादा आएगी बस ई स्पोर्ट्स के फैन रहो हमेशा समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ई स्पोर्ट्स के फैन रहना हमेशा तुम लोग के काम आएगा इन फ्यूचर